नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने भाजपा को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर रख दिया है। खाड़ी देशों में लगातार इसका विरोध हो रहा है, जिसका असर ये हुआ कि भाजपा ने पहले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया और अब भाजपा अपने ही जहरीले और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट बना ली है, जिसमें भाजपा के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और हारे हुए नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी ने अपने नेताओं को जुबान को कंट्रोल में रखने की चेतावनी दी है। नमस्कार, मैं हूं अंसार आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। इन चेहरों को आप गौर से देख लीजिए, इनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। भले ही ये मोदी सरकार के मंत्री हो, सांसद हो या विधायक, लेकिन इन सबको आप इनके भड़काऊ भाषण की वजह से जानते होंगे। भले ही इन नेताओं की शक्ल अलग अलग है, लेकिन इनकी पहचान एक है, इनकी पार्टी एक है, इनकी भाषा एक है और इनका अंदाज जहरीला और भड़काऊ है। और ये बात हम आपको पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब भाजपा भी इन नेताओं को भड़काऊ भाईजान बताने लगी है। आपने देखा कि कैसे भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई। कई देशों ने भारत के राजदूत को अपने यहां तलब कर लिया, जिसके बाद भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि भाजपा के ये दोनों प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है। लेकिन अब इन सबसे भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया भर में ये बवाल पहुंच रहा है, वैसे वैसे भाजपा में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि अब भाजपा ने अपने नेताओं को जुबान कंट्रोल में रखने की चेतावनी दे दी है। दैनिक भास्कर की यह खबर अभी आप देख रहे हैं, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी पर एक्शन, भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई, 27 नेताओं को दी हिदायत। इन नेताओं के अब नाम भी हम आपको बता देते हैं जिन्हें भाजपा ने चेतावनी दी है। इस लिस्ट में शामिल है गिरिराज सिंह, संगीत सोम, साक्षी महाराज, विक्रम सिंह सैनी, टी राजा, महेश शर्मा, प्रताप सिंह, तथागत राय और विनय कटियार का नाम शामिल है। ये वो नेता है जिन्हें भाजपा ने अपने जुबान को कंट्रोल में रखने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि भाजपा आईटी विशेषज्ञों की मदद से अपने नेताओं के पिछले 8 सालों के बयान को खंगाल रही है, जिसके बाद करीब 5200 बयान ऐसे थे जिसे भाजपा गैर जरूरी मान रही है, जबकि भाजपा ने अपने नेताओं के 2700 बयानों के शब्द संवेदनशील माना है। मतलब ये कि ये बयान मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से भाजपा ने अपने 38 नेताओं की लिस्ट तैयार की है। और अगर ये विवाद दुनिया के और देशों तक पहुंचा तो जल्दी भारत सरकार इन 38 नेताओं को फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर सकती है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के बाद अरब देशों में बायकॉट इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत के सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से भारत को न सिर्फ आर्थिक स्तर पर नुकसान होगा, बल्कि साथ ही साथ अंबानी और अडानी के कारोबार पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जिस सरकार पर यह आरोप लगता है कि यह सूट बूट की सरकार है, यह अंबानी और अडानी की सरकार है, अगर उन्हीं सूट बूट वालों के कारोबार पर असर पड़ेगा तो वो दिन दूर नहीं जब इन 38 भाजपाई नेताओं को यह सरकार फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर दे। ऐसे में इन नेताओं, जिसमें गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, संगीत सोम, विनय कटियार जैसे नेताओं का नाम शामिल है, उन्हें भाजपा ने अपनी जुबान को कंट्रोल में रखने की नसीहत दी है। उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।